हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू आई के आई टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेटिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका कमेंट आया था, मेरे पर व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया था कि सर, जिन पेशेंट्स की, जिन लोगों को स्क्विंट जो होता है वो कभी कभी दिखता है, कभी कभी आँख जिन पेशेंट्स की बाहर की तरफ हो जाती है वो हमेशा नहीं रहती, वो आँख जो बाहर जाती है वो कभी कभी जाती है बहुत कम केसेस में, या फिर बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा फील होता है कि मेरी आँख बाहर की तरफ है, या फिर कुछ कुछ केस में तो ऐसा भी देखा गया है जैसे पेशेंट सो रहा होता है तो सोते वक्त उनको ऐसा फील होता है कि मेरी जो एक आँख है, अगर जैसे उनकी राइट आई में स्क्विंट है, राइट आई में उनका बाहर वाला स्क्विंट है जिसको हम एक्सोफोरिया बोलते हैं, जब पेशेंट अगर सो रहा है राइट साइड करवट लेके सो रहा है तो बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा भी देखा जाता है, ऐसा भी उन लोगों को फील होता है कि राइट साइड सोते हुए उनकी आँख राइट साइड गिर गई है, मतलब राइट साइड की तरफ टेढ़ी हो रखी है। तो जैसे एक पेशेंट है वो तो मेरे से ये तक बोल रहे थे कि सर, मुझे सोते हुए ऐसा लगता है कि कहीं मेरी आँख राइट साइड बहुत ज़्यादा ना चली जाए, तो इसलिए वो पेशेंट राइट साइड करवट करके नहीं सोते, वो लेफ्ट साइड करवट करके सोते हैं, उनको इतना ज़्यादा फील होता है कि मेरी आँख राइट की तरफ जा रखी है। तो इन पेशेंट्स को क्या बोलते हैं, ये कौन सी कंडीशन में आते हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? जो स्क्विंट कभी कभी दिखता है, जो स्क्विंट पूरे टाइम के लिए नहीं दिखता, जब हम सोच रहे होते हैं या फिर हमारा दिमाग कहीं चल रहा होता है या फिर हमको फील हो रहा होता है कि हमारी आँख बाहर की तरफ जा रही है, तो वो स्क्विंट को हम एक्सोफोरिया बोलते हैं। फोरिया मतलब वो स्क्विंट होता है जो छुपा हुआ होता है, जो हम लोग ही चेक करके बता सकते हैं कि आपकी दोनों आँखों में, एक आँख में या क्या प्रॉब्लम, तो वो वाले स्क्विंट को एक्सोफोरिया बोलते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपकी, जैसे आपने बोला कि आपकी आँख बाहर की तरफ रहती है, वो कभी कभी दिखती है, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए बेसिकली अगर आपकी ये वाली कंडीशन है तो इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है। इसका ट्रीटमेंट सर्जरी को छोड़ के आप दवाइयों से, साथ ही एक्सरसाइज से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है इस कंडीशन के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है दिन में 2 से 3 बार, कम से कम 1 या 2 महीने के लिए, साथ ही नसों की ताकत के लिए कुछ मल्टीविटामिन्स हम स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसी अपनी डाइट ले सकते हैं जिसमें विटामिन ए हो, जिसमें जिंक हो और जिसमें ल्यूटिन, जियाजेंथिन, माइथोकोबलमिन, ये सारी चीज़ें जो हमारी नसों को ताकत देती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं, तो जिनसे आपकी नसों में ताकत आएगी, आपकी थोड़ा नसों में ताकत आने की वजह से साथ ही आपके नर्वस सिस्टम के अंदर ताकत आएगी। इन बहुत दो तरीके से होता है, एक तो एक्सरसाइज, एक ही जैसे ये ताकत आएगी। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें जो डिफेक्ट होता है वो भी 2-3 तरह का होता है। जैसे कुछ पेशेंट में क्या होता है कि नसों की कमजोरी की वजह से ये चीज़ होता है, कुछ पेशेंट में नर्वस सिस्टम की वीकनेस की वजह से होता है, कुछ पेशेंट में कोई भी, जैसे 6 मसल्स होती है जिनमें से अगर कोई भी मसल्स ज़्यादा काम कर रही है या फिर कोई मसल्स लूज है, अगर ऐसी कंडीशन है तो भी उस वजह से भी पेशेंट में ये कंडीशन होती है। तो आपको एक्सरसाइज अच्छे से करनी है दिन में 2 से 3 बार, डाइट अपनी अच्छी रखनी है, अच्छी डाइट फॉलो करना है, तो आपको इस केस में अच्छी इंप्रूवमेंट मिल सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एक और